योर एक्सलेंसी प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री हरदीप पुरी जी और हमारे असम के ही और भारत सरकार के मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी, बांग्लादेश सरकार के मंत्रीगण और हमारे साथ जुड़े अन्य सभी साथियों, नमस्कार। भारत बांग्लादेश संबंधों में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, इसकी नींव हमने सितंबर 2018 में रखी थी और मुझे खुशी है कि आज प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के साथ इसका उद्घाटन करने का भी अवसर आ गया। यह भी संतोष का विषय है कि कोविड महामारी के बावजूद भी इस प्रोजेक्ट का काम जारी रहा। इस पाइपलाइन से उत्तरी बांग्लादेश के विभिन्न जिलों को 1 मिलियन मैट्रिक टन हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति की जा सकेगी। पाइपलाइन के द्वारा सप्लाई से खर्च तो घटेगा ही, इस सप्लाई का कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा। भरोसेमंद और किफायती डीजल सप्लाई कृषि क्षेत्र के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगी। स्थानीय उद्योगों को भी इसका लाभ मिलेगा। आज की वैश्विक स्थिति में कई विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अपनी खाद और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जूझ रही है। इस संदर्भ में आज के आयोजन का महत्व और भी अधिक है। साथियों, पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के कुशल नेतृत्व में बांग्लादेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इस पर हर भारतीय को गर्व है और हमें खुशी भी है कि हम बांग्लादेश की इस विकास यात्रा में योगदान दे पाए हैं। मुझे विश्वास है कि यह पाइपलाइन बांग्लादेश के विकास को और गति देगी और दोनों देशों के बीच बढ़ती कनेक्टिविटी का भी उत्कृष्ट उदाहरण रहेगी। यह आवश्यक है कि हम अपनी कनेक्टिविटी के हर स्तंभ को सुदृढ़ करते जाएं, चाहे वह परिवहन के क्षेत्र में हो, ऊर्जा के क्षेत्र में हो, बिजली की ग्रिड की बात हो या डिजिटल क्षेत्र में। जितनी हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही हमारे पीपल टू पीपल संबंधों को बल मिलेगा। मुझे याद है कि कई वर्षों पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने 1965 से पहले की रेल कनेक्टिविटी बहाल करने के अपने विजन के बारे में चर्चा की थी और उसी समय से दोनों देशों ने मिलकर इस पर बहुत प्रगति की है। इसी का परिणाम है कि कोविड महामारी के दौरान हमें रेल नेटवर्क के द्वारा बांग्लादेश को ऑक्सीजन आदि भेजने में सुविधा रही। उनके इस दूरदृष्टि भरे विजन के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, बिजली के क्षेत्र में हमारा आपसी सहयोग बहुत सफल रहा है। आज भारत बांग्लादेश को 1100 मेगावाट से अधिक बिजली सप्लाई कर रहा है।
मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट भी चालू हो गई है। इसका उदाहरण हमने पिछले साल प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की भारत यात्रा के समय किया था और अब हम दूसरी यूनिट को भी जल्दी चालू करने की दिशा में काम कर रहे हैं। जहां तक ऊर्जा सहयोग की बात है, हमारा पेट्रोलियम ट्रेड $1 बिलियन पार कर चुका है। यह खुशी की बात है कि हमारा सहयोग हाइड्रोकार्बन की संपूर्ण वैल्यू चेन में है, चाहे वो अपस्ट्रीम हो या मिडस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम। इस पाइपलाइन से यह सहयोग और व्यापक होगा। मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी अधिकारियों, विशेष रूप से नुमालीगढ़ रिफाइनरी और बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को बधाई देता हूं। एक्सलेंसी, कितना शुभ संयोग है कि आज का यह उद्घाटन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म जयंती के एक दिन बाद हो रहा है। बंगबंधु के सोनार बांग्ला विजन में पूरे क्षेत्र का मैत्रीपूर्ण विकास तथा समृद्धि शामिल था। यह संयुक्त प्रोजेक्ट उनके इस विजन का उत्तम उदाहरण है। एक्सलेंसी, भारत बांग्लादेश सहयोग के हर पहलू को आपके मार्गदर्शन का लाभ मिलता रहा है। इसमें यह प्रोजेक्ट भी शामिल है। मेरे साथ इस आयोजन में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस प्रोजेक्ट से लाभान्वित होने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।